और अगली बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को नौवां समन जारी किया गया है, तो वहीं आतिशी ने इस हवाले से बड़ा इल्जाम लगाया है, चुनावी प्रोसेस शुरू होते ही समन क्यों? ये बड़ा सवाल आतिशी की तरफ से किया गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर है, कोर्ट में अभी बहस चल रही है। वो आतिशी फिर कह रही है कि कोर्ट में अभी बहस चल रही है, केजरीवाल को कानून के तहत समन भेजा गया है, बीजेपी कह रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी ईडी का समन जारी किया गया है, तो अरविंद केजरीवाल को अब दो दो बार ईडी के सामने पेश होना होगा, एक तो 18 मार्च, दूसरा 21 मार्च। तो वहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर खासा बेचैन नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान भी देखने को मिला है, फर्जी मामलों में समन भेजा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने इल्जाम लगाया है गिरफ्तार करने के लिए बैकअप प्लान शुरू किया जा रहा है। तो वहीं अपोजिशन की तरफ से लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है मरकजी हुकूमत पर कि ये लीडरान को गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है, एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया है और इल्जाम लगाया गया है कि ये पूरी साजिश है, बीजेपी की तरफ से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे ही चुनाव करीब आ रहे हैं गिरफ्तारी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, तो ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। और हालांकि ये कल मामला कोर्ट में चल रहा था, अध्यक्ष ने कहा कि उसके कुछ ही घंटे के बाद, हालांकि कोर्ट से एक तरफ तो समन जारी करने को पेश होने को लेकर राहत नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ जमानत और मुचलके के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए थे। तो